स्टूडेंट नीट 2019 के लिए 1 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनका एलिजिबिलिटी कोड कौन सा है, उनके लिए फॉर्म में कौन सा कोड भरना है। तो इस वीडियो में आपके लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम सरल भाषा में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा कोड भरना है, आपके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी कोड ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अभी अनअकैडमी पर मैं आपके लिए करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जहाँ मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटाफट से अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मुझे सर्च करिए डॉक्टर विशेष पारासरी के नाम से। यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ डेली अनअकैडमी पर मेरे 2 से 3 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। याद रखिए, यहाँ सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने सभी लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे सभी लेक्चर अनअकैडमी पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो एलिजिबिलिटी कोड है ये आपको नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप इनको पहले अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, वरना मैं तो आपको यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में बता ही रहा हूँ। टोटल 7 कोड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, तो एक एक करके मैं सभी कोड के बारे में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं कोड नंबर 1 से। कोड नंबर 1 उन स्टूडेंट को भरना है जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका रिजल्ट नीट के बाद आएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 12th का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं इस साल 2019 में 12th के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और उनका रिजल्ट आने वाला है नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, वो कोड नंबर 1 यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। और कोड नंबर 2 अगर भरना है तो देखिए, यहाँ पर कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 दोनों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ के अगर अपने हिसाब से भरना चाहे तो आप भर सकते हैं, वरना मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप भरेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोड नंबर 2 उन स्टूडेंट को भरना है जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो पास आउट है, इसका मतलब उन्होंने 2018 में 12th का एग्ज़ाम पास कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद वो 2019 में नीट का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो उनके लिए है कोड नंबर 2। अब हम बात करते हैं कोड नंबर 3 की। कोड नंबर 3 के उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम 12th का पास तो किए हैं लेकिन वो गैप के साथ किए, उनका गैप हो गया है, तो वो कोड नंबर 3 यहाँ पर भरेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी कोड दिए गए हैं इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं एक बार कहूँगा आपकी जो कंडीशन है उस हिसाब से एक बार कोड को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस तरीके से भर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िम्मेदारी है इन कोड को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के भरने की। अगर आपको कोई लगता है कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है या फिर मैंने जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आता या आपकी कोई और कंडीशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा कोड भरना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं। कोड नंबर 4 लोगों को भरना है जिनका 12th के बाद ड्रॉप हो गया है, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका 1-2 साल गैप हो गया आपके सिलेक्शन और 12th के बाद की जो साले हैं, इन बीच में आपका अगर गैप हो गया है तो आपको कोड नंबर 4 यहां पर भरना है। कोड नंबर 5 की बात करते हैं। कोड नंबर 5 आपको भरना है उन कैंडिडेट को जो आपके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, जिनकी बीएससी फर्स्ट ईयर यहाँ पर चल रही है या बीएससी फर्स्ट ईयर वो कर रहे हैं, कोड नंबर 5 यहाँ पर भर सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके होने चाहिए इसमें बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और इंग्लिश तो एज अ कंपलसरी है ही आपकी, ठीक है। साथ ही कोड नंबर 6 की अगर बात करें तो कोड नंबर 6 उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी पास आउट हैं, बीएससी जिन लोगों ने पास कर ली है वो कोड नंबर 6 यहां पर भर सकते हैं। यहां पर भी आपका वही है कि आपकी जो बीएससी है वो आपकी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, तो ये आप कोड नंबर 6 यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब अगर आप कर रहे हैं, तो कोड नंबर 5 है और आप पास आउट है तो कोड नंबर 6 आपके लिए है।
कोड नंबर 7 उन स्टूडेंट के लिए है जो एनआरआई कोटे में आते हैं, ठीक है। तो एनआरआई कोटे वाले स्टूडेंट कोड नंबर 7 यहाँ पर भर सकते हैं। ये थे आपके टोटल 7 कोड, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल आप सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी जाके ये कोड फिल करिएगा। बाकी मैंने तो आपको बताने की कोशिश यहाँ पर की है, आप इसे सबसे भी भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से भरिएगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होने चाहिए, साल में एक ही बार मौका आता है फॉर्म भरने का, तो सभी चीज़ें देखकर अच्छे से पढ़कर तभी आपको भरनी है, ठीक है। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे बायोलॉजी बाय डॉक्टर श्लोक और डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इन दोनों चैनल पर ही आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ नीट और काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये